वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बारे में, जहां पे आरसीबी टीम से देखा जाए रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो मैं आप लोग को अपनी वीडियो के थ्रू बता ही रहा हूँ। तो अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो उस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि केएल राहुल कहीं ना कहीं आरसीबी टीम से ज्वाइन हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर खबर तो बहुत ज्यादा फैली हुई है। वहीं पे एक खबर ये फैली हुई है कि कहीं ना कहीं आरसीबी टीम एलएजी टीम से केएल राहुल को अपनी टीम में ट्रेड कराने के पीछे सोच रही है। अब देखिए, ट्रेड कराने के पीछे मैंने अपनी कई वीडियो से बताया कि मेगा ऑक्शन से पहले ट्रेड आप कर सकते हो, लेकिन क्या आरसीबी टीम ट्रेड करने वाली है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मैं आप लोगों को क्लियरिटी से बता देता हूं, अगर आरसीबी टीम केएल राहुल को ट्रेड करती है, सबसे पहले आप लोगों को यह क्वेश्चन रखना पड़ेगा कि आरसीबी टीम प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड कर रही है, यानी कि क्या ग्लेन मैक्सवेल या फिर फाफ डु प्लेसी में से कोई एक प्लेयर एलएजी टीम ज्वाइन करने वाला है, तब के केएल राहुल आरसीबी टीम में आने वाले हैं, या फिर कैश डील होने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने हार्दिक पांड्या के साथ देखा होगा जब वो गुजरात से मुंबई इंडियंस में आए थे, या फिर कैमरन ग्रीन जब मुंबई इंडियंस से आरसीबी में आए थे तो कैश डील हुई थी, या फिर ऐसी ट्रेड होने वाली है। देखिए, अगर आप केएल राहुल का प्राइस देखोगे तो लगभग 17 करोड़ का उनका प्राइस था जब आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था, लखनऊ सुपर जायंट्स की नई फ्रेंचाइजी आई थी, तब 17 करोड़ में उन्हें रिटेन किया गया था, अपनी टीम का नया कैप्टन बनाया गया था। लेकिन क्या आरसीबी टीम 17 करोड़ में केएल राहुल को अपनी टीम में ट्रेड कराएगी? इसका आंसर है जी नहीं, आरसीबी टीम 17 करोड़ में ट्रेड नहीं कराएगी केएल राहुल को, बल्कि आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने प्लान बनाया है कि वो मेगा ऑक्शन में केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आएंगे, ना कि के ट्रेड विंडो में केएल राहुल को ट्रेड करेंगे। क्योंकि आरसीबी टीम, चलिए मान लेते हैं एक टाइम हमने सोच लिया कि केएल राहुल ट्रेड हो गए आरसीबी टीम में, लेकिन फिर आरसीबी टीम को 3 से 4 प्लेयर रिटेन करने हैं, वहां पे आरसीबी टीम फंस जाएगी, क्योंकि वहां पे उन्हें विराट कोहली को, केएल राहुल को, मोहम्मद सिराज को, ये 3 प्लेयर तो फिर इंडियन हो गए, यानी कि आपको रजत पाटीदार हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, विल जैक्स हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, इन 4 प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आरसीबी टीम इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं लेगी कुछ भी सोच समझ के, क्योंकि आरसीबी टीम देखिए मेगा ऑप्शन में जाएगी, अगर उन्हें चॉइस मिल जाए केएल राहुल की, केएल राहुल बजट में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अपनी टीम में बाय कर लेंगे, वरना मेरे हिसाब से वो किसी और ऑप्शन के पीछे भी जा सकते हैं। लाइक आप लोगों को ईशान किशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ईशान किशन भी श्रेयस अय्यर शायद अगर रिलीज होते हैं केकेआर टीम से तो केकेआर टीम से वो भी आप लोगों को मेगा ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ओवरसीज में भी आपके पास एडम माकरम का ऑप्शन रहेगा, बेन स्टोक का, सैम करन रिलीज हो जाएंगे, मतलब आपके पास मेगा ऑप्शन। देखिए, मेगा ऑप्शन इसलिए होता है कि आप अपनी टीम फिर से रीबिल्ड कर सको, एक तरीके से नई यूनिट तैयार कर सको, और आरसीबी टीम के पास मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि इस बार आरसीबी टीम अगर अच्छी यूनिट बना लेती है तो आरसीबी टीम आराम से ट्रॉफी जीत सकती है। लेकिन अगर आरसीबी टीम ने गलती से भी ये मेगा ऑप्शन बेकार कर दिया, ये आरसीबी टीम को लेने के देने पड़ जाएंगे, आने वाले 3 साल तक ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। ये कुछ बड़ी अपडेट थी कि आरसीबी टीम केएल राहुल को मेगा ऑप्शन से बाय करेगी, ना कि ये ट्रेड में कोई भी इंटरेस्टेड है, तो ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो।